1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Done. ये देखिए दोस्तों, मैं बाहर से लाया हूँ खरीद करके, या तो घर में काटने उठने का व्यवस्था नहीं है। मटन है 2.5 किलो, 2.5 किलो मटन बनाने की सिंपल साधारण घर की रेसिपी बताने जा रहा हूँ। छोटा मोटा हम लोग का पार्टी चल रहा है, इसीलिए मैं बना रहा हूँ मटन, सिंपल मटन। प्याज है कटा हुआ लमसम, 1 किलो प्याज कटा हुआ है, थोड़ा सा दूंगा मैं इसमें, 1.5 किलो मटर प्याज देंगे। ये 50 ग्राम आदि है, तेज़पत्ता है, 10-12 दाना लौंग का है, और छोटी मरीच पाउडर है, मरीच का खड़ा। इसमें हम डालेंगे अब वाइल तेल, लमसम इसमें 250 ग्राम तेल डालेंगे। देखिए 250 ग्राम तेल है डाले हैं। इसमें अब हम डालने जा रहे हैं थोड़ा सा जीरा। जीरा हम नहीं दिखाएं, दिखा देते हैं। देखिए एक छोटी चम्मच हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे हम तेजपत्ता, पत्रा जो है इसको भी मिला लेंगे। इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ जो आदि है, वो देखिए इसका जो भी है लौंग और मरीच वो डाल देंगे। इसको टेंशन नहीं लीजिए, बैठने के कारण ये थोड़ा सा कलट गया है, उसमें टेंशन लेने का नहीं है, देने का। देखिए इसमें डालने के बाद दोस्तों हम इसमें थोड़ा एकदम न पतला है न मोटा है प्याज कटा हुआ है डालेंगे हम। देखिए इसको डालने के बाद हम इसको चलाएंगे, ठीक। इसको चलाने के बाद दोस्तों इसमें हम लमसम वही 250 ग्राम प्याज जो है उसको पतला पतला काट देंगे। काट के रख भी सकते हैं, या काट के रखा हुआ है तो दे दीजिए, नहीं तो हम काट के नहीं रखें, इसीलिए पतला पतला जो काट के दिए उससे पतला है। आप ही यही सब काम कीजिएगा। दोस्तों हमको फिर से एक बार चला लेंगे हम, थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ढक के, या थोड़ा 2 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे। बोलो कम मसाले की मटन बनाऊंगा, इसलिए मसाला का कोई ज़्यादा मात्रा ज़रूरी नहीं है। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा मटन तो ऐसे ही रिच होता है, इसलिए भी ज़्यादा रिच नहीं करना है, और उसी प्रकार 1 से 1.5 चम्मच मिर्चा। इसके बाद हम निकाल लेंगे दोस्तों, इसमें है जीरा पाउडर, डालेंगे दोस्तों चिकन मसाला है 10 ग्राम का पैकेट, इसी में हम डाल देंगे।
उनको सर एक मरतबा देख करके हम सबका वजन बता देंगे कितना कितना टोटल मसाला कितना होगा। थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ है, ज़्यादा ना है, 5 ग्राम का लमसम है गरम मसाला। इसमें आप डालने वाले हैं हम नमक, नमक तो हम प्याज में ही डाल देंगे, तो हम प्याज में डाल देंगे, प्याज गलेगा जल्दी। देखिए उभरे हैं और इसको चलाएं। देखिए हम डालेंगे आप इसके स्वाद अनुसार नमक, लमसम वही 50 ग्राम नमक होगा। ये मसाला सब डाल देंगे, ये मसाला का वजन 150 ग्राम होगा सब मसाला का, हल्दी मिर्चा जीरा किचन किंग गरम मसाला, इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इसको हम ढक देंगे जो नमक दिए हैं, प्याज पानी थोड़ा छोड़ेगा। देखिए हम ढक दिए हैं मटन का, हम देख लें मटन का क्या स्थिति है, बड़ा छोटा पीस कैसा है, मटन का क्या है देख लेते हैं। ये देखिए अब हम डालेंगे इसमें, देख लेंगे तेल कौन सा है, तेल डाल देंगे तो ज़्यादा चपचपा जाएगा, इसको लिए तेल बाद में डालेंगे। जो मटन है कलेजी मटन जो भी है डाल देंगे, जैसे देखिए ये अभी नहीं डालने का है, बाद में डालने का, जब मटन आधा सीज जाएगा तब डालने का। ये चर्बी बोलिए तेल बोलिए जो भी बोलिए, देखिए अब हम इसको उघाड़ेंगे। घर के फिर हम इसको एक बार चला लेंगे। देखिए अभी तो पानी नहीं, जरा सा भी मटन डालने के बाद पानी अपने आप रुक भी छोड़ देगा, अगर नहीं छोड़ेगा तो थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। मटन डाल रहे हैं, खाएंगे काम हम इसमें, देख रहे हैं कुछ मटन धोने का नहीं है, साफ़ सुथरा कटा हुआ इसीलिए धोने का ना, इसलिए देख रहे हैं हम कुछ तो है नहीं इसमें, मटन धो लें फिर पंचचरा लगेगा खाने में। तो इस साथ में तेल नहीं चला जाए इसीलिए हम छान के डाल रहे हैं। देखिए मैं इसमें तेल सब डाल दिए, डालने के बाद इसको कप पकड़ के फिर से हम इसको चलाएंगे अच्छी तरीके से। इसको हम बहुत सावधानी अब डालेंगे हम लहसुन, पिसा हुआ लहसुन लमसम होगा वही 50 से 100 ग्राम, पानी में देकर लमसम 100 ग्राम लहसुन पिसा हुआ इसमें डालेंगे हम। देखिए डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से चला लेंगे।
इसको हम 5 मिनट के लिए ढक लेंगे, उसके बाद धीमा ताव में उसके बाद देखेंगे पानी छोड़ा नहीं छोड़ा। देखिए दोस्तों मैं उघाड़ने जा रहा हूँ कैमरामैन अमित कुमार के साथ, ठंडन उघड़ गया इसको चला। ए, क्या प्यारा खुशबू आ रहा है, लचीला खुशबू एकदम। झन्नाटेदार दोस्तों, अब इसमें हम डालने जा रहे हैं कुछ, हमारे पास दर्शक हैं आलू का शौकीन उसमें डालेंगे। अब इसको अब आप आलू मटर नहीं बोल सकते हैं। ये देखिए गोल आलू छिला हुआ है, नया आलू है, इसीलिए अब इसको सब डालेंगे इसमें चाहे मटन के साथ। ये आलू सीने में समय लगता है, कच्चा आलू है। इसको डाल करके हम फिर अच्छी तरीके से फिर 5 से 10 मिनट के लिए हम का मटन सीने में तो 1 से 1.5 घंटा लगता है, ये आप लोग भी जानते हैं। कुकर में नहीं दिए डाल दें, धार दे हो गया, इसको पकने दिया आराम से एकदम। कैमरा ब्लॉक कीजिए। अब दोस्तों मैं उघाड़ने जा रहा हूँ इसको, क्या देखिए दोस्तों पानी नहीं डाले हम इसमें, जरा सा भी नहीं डाले, एक बूंद पानी नहीं डाले हम। मटन और प्याज का पानी ही छोड़ा है, देखिए हमको इसी में आप सिझाना है इसको। दोस्तों पकाने के बाद सबसे पहले आप लोग के लिए परोसेंगे हम, बस इसको देखिए अच्छे तरीके से फिर चला लिए। जब मटन अगर सिझ जाएगा तो इसमें बहुत प्यारा सा रोगन छोड़ेगा इसमें। चलो इसको ढक देंगे फिर से 10 मिनट के लिए। आप देखिए दोस्तों ये जो हम रखे थे तेल चर्बी जो भी कहते हैं अभी डालेंगे हम। डालने के बाद इसको फिर से हम ढक देंगे, अब इसको हम ढकेंगे 10 मिनट के लिए। अब वही रहेगा, तेज नहीं होगा, और सिम हो सकता है तो कर दीजिए। चलिए अब इसको दोस्तों हम देख लेंगे इसको चला करके सीझा कि नहीं सीझा है। अगर सीझ गया तो इसमें एक दो को मसाला थोड़ा सा दे करके इसको 2-3 मिनट पका करके इसको बंद करेंगे हम। लमसम हो गया है ये मीट, देखिए ये देखिए ये भुंजा हुआ जीरा है, 1.5 चम्मच हम डाल देंगे। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, उसके बाद हम डालेंगे इसमें जा करके फिर से अब थोड़ा सा गरम मसाला 10 ग्राम के लमसम है। देखिए गरम मसाला डाले ऊपर से फ्लेवर। वाह क्या टेस्टी है, इसको हम 2 मिनट इसी तरह प्रकार से बिना ढके पकाएंगे इसको हम। जो मसाला अभी हम डाले हैं उसका फ्लेवर तो बढ़िया से मिल जाए, यानी कि गरम मसाला डालें तो कहीं कहीं यहाँ ज़्यादा यहाँ कम वैसा नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हम चिकन मसाला का फ्लेवर और डालेंगे। बस
ये आपका मटन।